ये है दिल्ली दर्पण। राजधानी दिल्ली की मंगोलपुरी एक्स ब्लॉक में नेत्रहीन कल्याणकारी संस्था पिछले 19 सालों से लगातार ब्लाइंड लोगों की सेवा कर रही है, जिसमें 35 ब्लाइंड लोग हैं और इनकी देखरेख के लिए 10 कर्मचारी भी लगे हुए हैं। इस संस्था में हर जगह के लोग हैं, जो अपने परिवार को छोड़कर चले आए हैं या फिर जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया है, तो कई ब्लाइंड ऐसे हैं जो यहाँ पर रहकर अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं और इनमें से कुछ लोगों की सरकारी जॉब भी लग चुकी है। केंद्रीय विद्यालय, रेलवे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी यहाँ के लोग काम कर रहे हैं और कुछ ब्लाइंड लोग यहाँ रहकर अपनी जॉब की अभी भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों की नेत्रहीन कल्याणकारी संस्था मदद करके इनका भविष्य बनाने में लगी हुई है। साथ पुनीत गुप्ता, दिल्ली के मंगोलपुरी में हम हैं, मंगोलपुरी की नेत्रहीन कल्याणकारी संस्था में हम हैं और यहाँ पर कई सारे नेत्रहीन व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। हालांकि समस्या ये है कि कोई भी सरकारी जो मदद है वो नहीं मिल पाती, कोई भी निजी मदद यहाँ पे नहीं मिल पाती। ऐसे में भी जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन्होंने कई कीर्तिमान यहाँ पे रचे हैं और मदद की गौर हमेशा करते रहते हैं। मैं इस साल पारस है, जो मैनेजर उनसे बातचीत करते हैं, तो एक बार बताइए बात। की जो स्थापना हुई थी वो 2001 में हुई थी और इसकी स्थापना करने वाले थे स्वर्गीय श्री लक्ष्मण शर्मा जी, जो 2015 में एक्सपायर हो गए हैं। उसके बाद से इनकी जो मिसेज हैं शकुंतला शर्मा जी, वो इस संस्था की देखभाल कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, ये जो संस्था है ये टोटली प्राइवेट संस्था है, ये पब्लिक डोनेशन पे वर्क कर रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं है। यहाँ पे करीब 35 ब्लाइंड्स रहते हैं, जिनका खाने पीने का और रहने का सारा खर्चा हम देखते हैं और इससे हम 1 रुपये भी चार्ज नहीं करते हैं। यहाँ पे जितने भी ब्लाइंड्स रहते हैं उसमें से कई ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं और कुछ एजिड हैं जो सिर्फ यहीं रहते हैं, खाते पीते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनकी केंद्रीय विद्यालय के अंदर एज अ टीचर भी लग गए हैं और अशोक नाम से हैं वो रेलवे के अंदर जॉब कर रहे हैं और भगत राम नाम से हैं जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में है। सब हमारी संस्था में यहीं रहे, यहीं उन्होंने तैयारी करी और आज वो सक्सेस होके गवर्नमेंट एज ऑफिसर बने हुए हैं। और साथ ही कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ यहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पेंशन के ऊपर डिपेंड हैं। तो इस संस्था में आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर क्योंकि सर्दी का मौसम है, धूप भी सेक रहे हैं छत पर, तो इनसे बातचीत करते हैं। और कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ यहाँ पर लोगों ने अचीव की है, धूप सेकने के लिए यहाँ पे आए हैं। भाई साहब हैं, क्या नाम है भाई साहब का? क्या नाम है? अभिमन्यू जी। अभिमन्यू जी, ये क्या है, बॉक्सर हेड? क्या यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप लोग? मैं तो यहाँ पे एग्ज़ाम लिखने के लिए आया था, अभी एक महीना हुआ है। मेरा एक एस बी आई क्लर्क का एग्ज़ाम था, मेरा मेंस एग्ज़ाम था, तो मैं इसलिए आया हुआ था। एक्चुअली मैं मतलब फुटबॉल खेलता हूँ और ट्रेनिंग और ट्रेन भी करता हूँ बच्चे लोगों को, और मैं मतलब स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, अच्छा, मतलब आप फुटबॉल खेलते भी हैं? हाँ जी। ट्रेन भी करते हैं? हाँ जी। स्कूल में पढ़ाते भी हैं? हाँ जी। और एस बी आई के क्लर्क के एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहे हैं? हाँ, जब मेरा स्कूल है वो मतलब प्राइवेट स्कूल है, तो वो स्कूल भी किसी एनजीओ के तहत, मतलब वो कोई एनजीओ है, मतलब एनजीओ के तहत चलती है स्कूल। हाँ, तो अब ये मतलब गवर्नमेंट एग्जाम, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए हम अप्लाई किए हुए थे, तो क्योंकि हमारे जो गेम है उस गेम, क्योंकि हमें तो गवर्नमेंट की तरफ से तो मतलब हमारे गेम तो उतना तो प्रमोट तो है नहीं और ना तो पब्लिक प्रोपोलरिटी, मतलब पॉपुलरिटी भी नहीं है उतनी जितना बाहर है। तो इस हिसाब से कि मतलब एक अपना परमानेंट जॉब रहे तो फिर हम अपना गेम स्किल और मतलब उस पर और ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क कर सकते हैं। तो फुटबॉल में आपने कितना खेला और क्या क्या अचीव किया है अभी तक? हमने मैंने 2013 से फुटबॉल एक्चुअली इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करना शुरू किया और वही पहला वो था कि मतलब यानी कि 2013 से ही इंडिया टीम जा रही है। मतलब पहली बार इंडिया टीम गई थी थाईलैंड
थाईलैंड। तो आप भी थे थाईलैंड ओपन? हाँ, मेरा नाम था, सिलेक्शन हुआ था, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स से मैंने खेला था, नेशनल खेला था, तो मेरा सिलेक्शन था उसमें, मतलब सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन कुछ फैमिली के कारण से और कुछ मतलब थोड़ा पासपोर्ट भी थोड़ा डिले हुआ था, और वैसे मेरा फादर भी मतलब एक्सेप्ट नहीं किए थे भेजने के लिए, तो इस हिसाब से हमने नहीं जा पाए थे। फिर 2015 में फिर दोबारा हमारा सिलेक्शन होता है, फिर दोबारा दो साल बाद फिर नेशनल हुआ, तो फिर उसमें फिर हमारा सिलेक्शन हुआ था, और फिर मैंने एशियन कप खेलने के लिए फिर हम गए थे 2015 में जापान में खेले थे, फिर वहाँ पे हमारा रैंक रहा था, 5वें रैंक रहा था। और पहले तो हमारा रैंक तो वैसे वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी धीरे धीरे हमारा रैंक भी अभी हमारा 29 रैंक में है, हम लोग इंडिया टीम अभी वर्ल्ड में 29 रैंक पे है। ठीक है, तो देखिए आप देश को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, विदेश भी जा चुके हैं, जापान के भी खेल के हैं, और भी कई सारे लोग हैं यहाँ पर, और इस तरीके की उम्मीद में है कि किसी तरीके का अपलिफ्टमेंट उनको यहाँ पर मिल सके। हालांकि जो निजी संस्थाएं वो तो मदद कर रही है, लेकिन आप जैसे लोग जो भी दर्शक हैं, जो भी देख रहे हैं, इन जैसे लोग को, भाइयों को नेत्रहीन हैं, उसके बाद भी देखिए अचीवमेंट कितनी बड़ी बड़ी है, देश को भी रिप्रेजेंट किया, इसके बाद एस बी कलर की तैयारी भी कर रहे हैं, और टीचर्स भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे हुनरमंद व्यक्ति हैं जिनको आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। तो आप लोग जरूर यहाँ पे एक बार आइएगा, मंगोलपुरी के मेन रोड पर ही है, संजय गांधी अस्पताल से थोड़ा सा पहले, जरूर इनके साथ समय बिताइए, इनके जीवन को देखें कि किस संघर्ष से भी रहते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर